कल सुषमा स्वराज ने यूएन में पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाला और अपनी कारस्थानियों से मुकरने वाला देश करार दिया था, लेकिन इन सबसे अलग पाकिस्तान के एक अधिकारी ने ऐसा काम किया है जिससे पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने शर्मसार हो गया है। पाकिस्तान के एक अधिकारी ने कुवैत में चोरी की है और पाकिस्तान चोरी की इस वारदात से मुकर भी नहीं पा रहा, क्योंकि चोरी की है पूरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और इसका वीडियो सामने आ गया है जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो क्या है ये पूरी घटना, देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान इन दिनों पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। उसके पास इस्तेमाल के लिए महज 3 दिन का पानी बचा है। इससे निजात पाने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान डैम का निर्माण कराना चाहते हैं, लेकिन देश की खस्ता आर्थिक स्थिति और इस्लामिक आतंकवाद को समर्थन देने के कारण कोई भी देश पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने को तैयार नहीं। ऐसे में पाकिस्तान को आर्थिक मदद की गुहार लगाने के लिए इमरान कुवैत पहुँचे और इस इस्लामिक मुल्क से इस्लाम के नाम पर मदद मांगी। साथ ही कुवैत के शासक से मुलाकात करने की गुजारिश की। पाकिस्तान के निवेदन पर 28 सितंबर को कुवैत का एक राजनयिक शिष्टमंडल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने आया था। पाकिस्तान और कुवैत के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हो रही थी। बैठक के बाद कुवैत का एक अधिकारी टेबल पर अपना पर्स भूल गया, जिस पर पाकिस्तानी अधिकारी जरार हैदर खान ने हाथ साफ कर दिया। जरार खान पाकिस्तान के ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी हैं। पाकिस्तान के एक पत्रकार उमर आर कुरैशी ने इस घटना का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरोपी अधिकारी खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर केस दर्ज कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के लोग पाक अधिकारी की इस हरकत पर हैरानी जता रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वहां बहुत सारी कुर्सियां और टेबल लगे हैं। कुवैत का अधिकारी अपना पर्स भूलकर वहां से चले जाता है। इस दौरान जरार खान वहां टहलते हुए आते हैं और इधर उधर नजर घुमाते हैं, फिर चुपचाप से पर्स को जेब में रख लेते हैं। अधिकारी की है पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।